हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण शहर फैसलाबाद के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं फैसलाबाद शहर की सफर पर। पाकिस्तान के उत्तर पूर्व में रावी और चिनाब नदी के मैदानों के बीच में बसा फैसलाबाद 1330 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। फैसलाबाद कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि फैसलाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कपड़ों का मार्केट है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर इतिहास की बात करें तो शहर को पहले लायलपुर नाम से जाना जाता था, जो ब्रिटिश गवर्नर जेम्स ब्रॉडवुड लायल के नाम पर रखा गया था। बाद में सऊदी अरब के राजा फैजल के सम्मान में 1977 में फैसलाबाद कर दिया गया। आज के समय इस शहर में 32 लाख लोग निवास करते हैं, जिनमें से ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म के लोगों की है और शहर के 96% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। शहर के केंद्र में खड़ा क्लॉक टावर फैसलाबाद की समृद्ध इतिहास और एक प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ है। आज के समय फैसलाबाद की जीडीपी $32 बिलियन होने का अनुमान है। यहाँ पर मुख्यतः कपड़ा, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल जैसी इंडस्ट्रीज मौजूद है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट में 70% से भी ज्यादा का हिस्सा है। शहर में खरीदारी करने के लिए कई सारे बाजार भी मौजूद है। फैसलाबाद अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर समोसे और पकोड़े से लेकर फालूदा और जलेबी तक कई सारे प्रकार के स्ट्रीट फूड प्रसिद्ध है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कंपनियों के बढ़ती संख्या के कारण फैसलाबाद के रोड नेटवर्क को डेवलप किया जा रहा है। शहर में मुख्य रेलवे स्टेशन 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर पाकिस्तान के साथ दुनिया के कई बड़े शहरों से भी फ्लाइटें लैंड और टेक ऑफ करती है। दोस्तों, बात करते हैं फैसलाबाद की कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले है जिन्ना गार्डन। जिन्ना गार्डन फैसलाबाद में सरीना होटल रोड के सामने स्थित है। 18 साल पुराना जिन्ना गार्डन एक पिकनिक की दृष्टि से ऐतिहासिक और आकर्षक जगह है। इस पार्क को कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है और यह गार्डन फैसलाबाद की सुंदरता को और बढ़ा देता है। उसके बाद है लायलपुर गैलरी। इस गैलरी में फैसलाबाद के इतिहास को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। उसके बाद है फैसलाबाद क्लॉक टावर। फैसलाबाद में घंटाघर एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसका निर्माण अंग्रेजों के समय में हुआ था। शहर के बीच में मौजूद यह इमारत फैसलाबाद के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसके अलावा भी फैसलाबाद में कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है, जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर फैसलाबाद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।